दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ICR जेरप एंड ICR पीजी, ICR जेरप और ICR पीजी में क्या अंतर है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर ICR जेरप में यह होता है और ICR पीजी में यह होता है, तो दोस्तों आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि ICR जेरप के साथ आपको कितनी फेलोशिप मिलती है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। इसके अलावा दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको एग्रीकल्चर एग्जाम रिलेटेड न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ICAR AIEEE PG एग्ज़ाम क्या है और इसको क्यों आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ICAR AIEEE PG एग्ज़ाम इट्स फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। मतलब जो दोस्तों ICAR PG एग्ज़ाम है यह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको भारत की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में एडमिशन दिलवाने के लिए आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ICAR JEREP एग्ज़ाम क्या है। तो दोस्तों ICAR JEREP एग्जाम इट्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इट्स फॉर दोस हु आर पैशनेट अबाउट रिसर्च, इट्स बेसिकली ए रिसर्च फेलोशिप विच हैज़ नो कनेक्शन विद योर डिग्री। तो दोस्तों ICAR JEREP एग्ज़ाम एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एग्ज़ाम है और दोस्तों यह एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, और दोस्तों यह एक रिसर्च फेलोशिप है जिसका आपकी डिग्री के साथ कोई संबंध नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ICAR JEREP एग्ज़ाम और ICAR PG एग्ज़ाम कौन आयोजित करवाता है, कैसे एडमिशन होता है और कितनी फेलोशिप होती है। तो दोस्तों देर इज़ ओनली वन एग्ज़ाम फॉर बोथ ICAR JEREP एंड ICAR PG एडिशंस। मतलब दोस्तों ICAR JEREP और ICAR PG एग्ज़ाम अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होते हैं, दोनों एग्ज़ाम एक साथ होते हैं जिसे ICAR JEREP एग्ज़ाम कहा जाता है। मतलब दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि ICAR JEREP एग्ज़ाम के थ्रू ICAR JEREP और ICAR PG में एडमिशन होता है। इसके बाद दोस्तों ICAR कंडक्ट एंड ICAR JEREP एग्ज़ाम फॉर एडिशन। मतलब जो दोस्तों ICAR JEREP एग्ज़ाम है उसे ICAR आयोजित करवाती है। इसके बाद दोस्तों 2 PG कोर्सेज एंड द टॉप रैंकर्स आर गिवन द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और जो दोस्तों टोटल एडिशन होते हैं उनमें से जो टॉप रैंकर्स होते हैं 25% स्टूडेंट टॉप वाले उन्हें ICAR JEREP दी जाती है, और जो दोस्तों बाकी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें PG में एडिशन दिया जाता है। दोस्तों अब बात करें ICAR JEREP फेलोशिप की, तो दोस्तों आपको 25,000 रुपये पर मंथ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। दोस्तों आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में 25,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, और इसके बाद दोस्तों 28,000 पर मंथ फॉर थर्ड ईयर। यदि दोस्तों आप थर्ड ईयर में भी रिसर्च करते हो तो दोस्तों आपको 28,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि ICAR JEREP और ICAR PG में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप यदि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो दोस्तों उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही एग्रीकल्चर एग्जाम रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।